हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज के इस वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे के साथ। और आज हम लोग जा रहे हैं तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं रायवाला कैंटीन की ओर। अभी हम रायवाला जाएंगे, पहली बार जा रही हूँ मैं इनके साथ कैंटीन में। थोड़ा सा मैं अभी देखती हूँ, फील लेती हूँ आर्मी कैंटीन के कार्ड को कैसा होता है। और थोड़ा सा दीदी की शादी है उसके लिए भी बताऊँगी क्या। ये बहुत आजकल चिड़गू चिड़गू हो गए थे, तो क्या बात हो गई होगी हैं। और अभी हम ना जब सामान लेके आएंगे बताएंगे कि क्या क्या लेके आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा दीदी की शादी का सामान भी लेके आना है इस टाइम पे। तो दोस्तों अभी हम ना यहाँ पे श्यामपुर फाटक के सामने पहुँच गए हैं, बट अभी हमें यहाँ से ऑटो विक्रम वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनको पूरा जल्दी जल्दी स्कूटी बाइक कुछ ले चलाना सीखें और हमें भी थोड़ा सा आनंद दिलाएं। स्कूटी चलाना इनको आ जाता है, बट मैं इनको अभी मना करती हूँ चलाने के लिए, क्योंकि मेरे को इनके साथ अभी डर लगती है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा बार नहीं चलाई, एक दो बार चलाई। एक बार हम धारी देवी गए थे, उस दिन मैंने माता रानी का नाम लेकर अपने हृदय को थाम कर बहुत मुश्किलों के साथ गई थी मैं। वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। पहला सफ़र था हमारा स्कूटी का, और एक बार फिर से बैठी जहाँ हम रहते हैं अभी, वहाँ से बाहर तक आना था मेन रोड तक शादी से पहले। तो उस दिन तो हालत ही ख़राब हो गई थी, गिरते गिरते मरते मरते बचे उस दिन। और इसलिए तब से मैं बैठी नहीं इनके साथ। अभी ये जब प्रॉपरली कंटिन्यूसली चलाने लग जाएंगे उसके बाद फिर देखूंगी कि बैठना है कि नहीं बैठना। वैसे तो बैठना तो इनके ही साथ पड़ेगा, चाहे कैसे भी चलाएं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे बहुत ही बड़ी बस आ रही है और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जल्दी जल्दी चल देते हैं। अच्छा बस नहीं है, ट्रेन है। मैंने बोला क्या हो गया ये, इधर देखिए दोस्तों ट्रेन, मैंने पहली बार देखी। देखिए ट्रेन ये रही, आपने तो देखी नहीं होगी आपने तो देखी नहीं होगी दोस्तों ट्रेन, ये देखो इतनी बड़ी होती है। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी ट्रेन है। मैं तो आज तक कभी ट्रेन में बैठी नहीं दोस्तों, क्या होगा मेरा। और हवाई जहाज को भी हम नीचे से देखते हैं, ऊपर हमें उसमें कभी बैठी नहीं हूँ कभी। हाँ मुझे कभी ट्रेन या हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे? नहीं। क्यों बैठाएंगे? इन्होंने वादा किया है अभी नहीं पर कभी और। चलो देखते हैं, कभी मौका मिलेगा तो आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, तो मैं खुद से ही चली जाऊंगी, बट प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों मैं थक गई यार, 2 मिनट मैंने ऐसे खींच लिया आप लोगों की। चलो चलते चलते हम लोग काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं और अभी तक एक भी गाड़ी नहीं आ रही है पीछे से, देखते हैं कब तक आती है। अभी हम फिलहाल पैदल चल लेते हैं, धूप भी काफ़ी तेज हो रही है और कहीं कैंटीन अभी बंद ना हो जाए, देखते हैं क्या होता है ना जी सरकार। अभी मैंने कल बोला था ना, मैंने नमक परोखा अपने ऊपर और आज मेरे पे काफ़ी एनर्जी आ रखी है। और यहाँ पे देखो भैया लोग जा रहे हैं उसमें एकदम गाड़ी में बैठ कर, वो इधर देख रहे थे बोल के ये लड़की क्या पागलों की तरह पड़ा पड़ा रही है ना। तो चलो अभी हम कैंटीन में चल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग ना पहुंच चुके हैं रायवाला मार्केट में। रायवाला मार्केट है ये, बताओ क्या है। सभी लोग जानते हैं हम लोग ना आज आर्मी कैंटीन गए थे, मैंने बताया था, बट वहाँ से आने के बाद मैं अभी वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, वहाँ नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा आर्मी में कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, वहाँ हम फोटो वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सकते, इसलिए मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाया। और मैं घर आके इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज हम वहाँ से थोड़ा सा सामान लेके आए हैं, मैं बताती हूँ हम क्या क्या लेके आए हैं। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ हिमालय का एंटी डेंड्रफ शैम्पू, क्योंकि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा डेंड्रफ हो रखी है और बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, उस वजह से मैंने सोचा ये लगा के यूँ। वैसे मैं काफ़ी टाइम से इसको ही यूज़ कर रही हूँ, बट देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपको कुछ पता होगा उपाय कि डेंड्रफ के लिए क्या होता है, तो आप मुझे भी बताइएगा, ठीक है।
शैम्पू के बाद मैं लेके आई हूँ यहाँ पे एक पोहा, और पोहा मैंने कभी खाया नहीं था, मैंने ये पहली बार खाया। एक बार हमने ससुराल में बनाया था कल परसों, और परसों कुछ दिन एक दो दिन पहले मेरी जेठानी जी ने बना के खिलाया था। मैंने सोचा कभी कभी ऐसा होता कि सब्जी वगैरह नहीं रहती है, तो उस टाइम पे पोहा बनाया जाएगा, तो एक मैं पोहा का पैकेट लेके आई। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मेरा ससुराल ना थोड़ा सा मार्केट से दूर है, तो वहाँ ऐसे अलाउड वगैरह नहीं मिलता, उसके लिए देवप्रयाग गया ऋषिकेश जाने से पता है, तो वहाँ मुझे ये दिख गया था और बहुत ही ज़्यादा मच्छर हुए रहते हैं, तो इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी काफ़ी समय से, तो मैं एक अलाउड लेके आई हूँ। और साथ में ना ये इनको रसगुल्ले यानी आते होंगे बनाने के लिए आते होंगे, तो एक हम ये रसगुल्ला बनाने का पैकेट लेके आए हैं, तो अब घर में रसगुल्ले जिस दिन बन जाएंगे आपको भी दिखाए जाएंगे। साथ में एक मैं हैंड वॉश का पैकेट लेके आई हूँ, और दोस्तों एक मैं लेके आई हूँ सीमिया का पैकेट, क्योंकि कभी कभी जैसे इच्छा हो जाती है। थोड़े से हम लेके आए हैं मैगी के पैकेट, मैगी के पैकेट और भी थे बनाने वाले, अभी कहाँ रखे हुए हैं, तो मैगी के पैकेट लेके आई हूँ, दो लेके आई हूँ, कपड़े धोने वाले साबुन, थोड़ा सा नहाने वाले साबुन, अपने लिए गार्नियर का एक फेस वॉश, वैसे मैं पहले नहीं लगाती थी, अभी कुछ टाइम से मैंने फेस वॉश लगाना स्टार्ट कर दिया है। ससुर जी के लिए लेके आए ये शेविंग करने का ब्रश, और यहाँ पे थोड़े से मैगी के और पैकेट लेके आए हैं, और गुलाब जामुन के ना हम दो पैकेट लेके आए हैं, और ये गुलाब जामुन हस्बैंड जी बनाएंगे, अगर इन्होंने अच्छी नहीं बनाई, अभी तो ये वीडियो बना रहे हैं, अगर इन्होंने ये गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनाए तो फिर मेरा बहुत बुरा होगा, है ना। तो दोस्तों ये सारा सामान आज हम लेके आए आर्मी कैंटीन से, और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने घर का सामान लिया है, क्योंकि शादी से पहले हमारी अपनी खुद की शॉप थी, हम लोग कभी नहीं जानते थे ऐसे सामान वगैरह ख़रीदने की, मैंने कभी नहीं लिया, मतलब हम कभी बाहर से कुछ चीज़ नहीं लेते थे, हम दुकान में जाते थे उठा के लेके आ जाते थे, ऐसे कोई मतलब नहीं था कि पापा जी कहाँ से कर रहे होंगे, दुकान में भी पैसों से आता है, जब अब खुद से सारी चीज़ें करनी होती हैं तो तब समझ में आता है कि और पता चलता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट चलो खैर कोई बात नहीं, अभी हम घर गृहस्थी में पड़ चुके हैं, तो अभी ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। फिलहाल आज तो कुछ हुआ नहीं वीडियो में, फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देती हूँ, जितना भी बना होगा। कल मिलूंगी नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।